हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन. आज हम लोग एक छोटी सी टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वैसे तो आपने क्लास टेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ही होगा, बट एक दो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर. उनमें से एक फैक्ट आज डिस्कस करेंगे कि भाई दो इक्वेशंस अगर हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई रिलेशंस बन सकते हैं क्या, उनकी कोफिशिएंट्स की कोई रिलेशन बन सकती है क्या जो वेरिएबल्स हैं, जब दोनों रूट्स कॉमन हो और एक रूट कॉमन हो, राइट. इस पे हम बात करेंगे. तो ये जो मैंने कहा, ये वर्बली मैंने कहा, बट मैं आपको अभी रिटन वे में इसको एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहले तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि भाई आपकी वो रिकैप कर लेते हैं चीजों में. जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की हम बात करते हैं तो ये हमारा जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, राइट. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी बात करते हैं तो मेरे पास ये अल्फा और एक बीटा दो रूट्स होते हैं, है ना, इसकी बात हम करते हैं. तो यहां पे सम की अगर बात करें अल्फा प्लस बीटा, तो ऐसा हम पता कर लेते हैं भाई माइनस बी बाई ए होता है. ये हमें पता है, सम ऑफ द टू रूट्स इज ऑलवेज माइनस बी बाई ए. अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा, और ये सी अपॉन ए होता है. ये हमें पता है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं. तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से इसको देखें. जब मैं कह रहा हूं कि व्हाट आर द कॉमन रूट्स बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इससे दो चीजें क्लियर होती हैं कि आइदर एक कॉमन रूट हो सकता है या फिर दोनों कॉमन रूट्स हो सकते हैं, है ना. आइदर एक कॉमन रूट हो सकता है या फिर दोनों कॉमन रूट हो सकते हैं, भाई यही है ना, ठीक है. नाउ कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप ऐसे लिखते हैं इक्वेशन को ए एन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है. जैसे ये लेते हैं आप, ये दो इक्वेशन है आपके पास. मुझे इन दोनों इक्वेशंस में ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, इनके बीच में मुझे रिलेशन निकालना है बेटा, बस और कुछ नहीं, ठीक है. ये रिलेशन कैसे निकलेगा, ये रिलेशन उस कॉन्सेप्ट से निकलेगा भाई अगर दोनों रूट में, दोनों रूट कॉमन है दोनों इक्वेशन में, या फिर एक रूट कॉमन है दोनों इक्वेशन में, इससे निकालते हैं हम लोग. सो दैट इज द कंडीशन. हम इसको कंडीशन भी कह सकते हैं, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, इसको हम ऐसे कहते हैं, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स. जैसे मैं इक्वेशन नंबर वन लेता हूं बेटे, ये मेरा इक्वेशन नंबर टू है, राइट. ऐसे सबसे पहले मैं बात करता हूं कंडीशन फॉर ओनली यू नो फॉर टू रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन रादर. हम इसको ऐसे लेते हैं बोथ रूट्स कॉमन, ठीक है, इसको समझते हैं बेटा, बोथ रूट्स कॉमन. तो उसे अंडरलाइन भी कर देते हैं भाई, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ा देते हैं इसकी. बोथ रूट्स कॉमन, इसकी कंडीशन मुझे निकालनी है. जैसे आपने देखा होगा कि दो लीनियर इक्वेशन में अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, यू नो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलता है, वो तभी हो सकता है जब ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये कंडीशन होता है, आपको याद होगा, है ना. तो क्या इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में भी कोई ऐसी रिलेशंस हो सकती हैं, ठीक है, इनके बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में? तो वही उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग उसी से रिलेट करते हैं, थोड़ा लीनियर इक्वेशन के साथ भी थोड़ा रिलेट कर लेते हैं. फॉर द फैक्ट डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बट थॉट हम उसी से, उसी तरह से ले सकते हैं, उसी तरह से हम उसको यूज करते हैं. बोथ रूट्स कॉमन की जब भी हम बात करें तो इसका मतलब क्या, मैं कहता हूं भाई अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ वन, राइट. मैं कहता हूं अल्फा डैश बीटा डैश आर रूट्स ऑफ इक्वेशन टू, समझ में आ गई बात, है ना, क्योंकि बोथ द रूट्स आर सेम, राइट. ये दोनों रूट सेम है एक्चुअली, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है. तो यहां पे बच्चा आप देखोगे, यहां पे आप अल्फा प्लस बीटा की अगर वैल्यू लिखते हो बेटा,
तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, माइनस बी वन बाई ए वन। इफ आई राइट अल्फा बीटा, इसका मतलब सी वन अपॉन ए वन, मेरे बच्चे लिख सकते हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं भाई अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यहां क्या होगा माइनस बी टू अपॉन ए टू। अगर मैं कहता हूं अल्फा डैश बीटा डैश प्रोडक्ट, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी टू अपॉन ए टू, राइट। तो मेरे बच्चों यहां पे हम अगर बात करें भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वन बाई ए वन, अल्फा इंटू बीटा सी वन बाई ए वन, तो ये दोनों क्योंकि बोथ द रूट्स आर कॉमन, मतलब अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश दे आर ऑल सेम, है ना। तो व्हाट आई कैन डू, आप यहां पे देखिए इस कंडीशन को निकालने के लिए बेटा इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, दैट इज माइनस बी वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू माइनस बी टू अपॉन ए टू, ये प्लस हो गया। तो यहां पे आप ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये आपका इक्वेशन नंबर, ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हो गया। आप देख सकते हैं यहां पे जो भी आप लेना चाहो, अगर फर्स्ट ऐसे लिखना चाहते हो ये लिख लो, ये और ये दोनों सेम है क्योंकि बोथ द रूट्स आर कॉमन, दे आर सेम प्रोडक्ट इज सेम। तो कहने का मतलब है कि आप सी वन बाई सी टू, सी वन बाई यू नो ए वन वी आर टॉकिंग राइट, सी वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू सी टू अपॉन ए टू बेटा, ठीक है। और आपके पास सी वन अपॉन ए वन सी टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू बेटा, ये मेरा इक्वेशन नंबर टू आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑन इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी हैव ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, देख सकते हो आप बेटा, ये आपका लॉजिक बन गया, देख रहे हैं आप ऐसे। तो ये जो है ये कंडीशन हो गया जब दो रूट्स कॉमन है, बोथ द रूट्स आर कॉमन इन बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वी टेक दिस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वहां पे आप इस कंडीशन को फॉलो करते हैं बेटा, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू बेटा, ठीक है। चलो इस पर छोटा सा सवाल करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ सॉल्व करें, देखें इसको सॉल्व करके। एक मैं सवाल देता हूं, क्वेश्चन देता हूं, फाइंड ए एंड बी। अगर मैं कहता हूं फाइंड ए एंड बी इफ द इक्वेशंस, राइट इक्वेशंस, इफ द इक्वेशंस 9x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 2x square plus 3x minus 4 have both the roots common, have both roots common beta। अब समझ गए होंगे, दिमाग में ये आ रहा सर, अभी तो हमें समझ में आ गया ये, है ना। आपको वैसे इसमें ए वन क्या है ए टू क्या है ये कह रहे हो आप, मुझे पता, आपको पता होगा ए वन क्या है इसमें 9 बेटा, व्हाट इज बी वन ए, what is c1 b, what is a2 2, what is b2 3, what is c2 minus 4, ठीक है। a1 upon a2 9 upon 2 is equal to b1 upon b2 a upon 3, c1 upon c2 b upon minus 4, बस बन गया। आप इसको और इसको एक साथ ले लें, a by 3 is equal to 9 by 2, इसका मतलब a is nothing but 27 upon 2 beta, एक ही वैल्यू आपके पास 27 upon 2 आ गए बच्चे। इसी तरह से हम इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, 9 upon 2 is equal to b upon minus 4, so b is nothing but what 9 times minus 4 divided by 2, this 2 to cancel right, तो ये आपका minus 18, तो b is equal to how much, b क्या बेटा minus 18, ठीक है, b is minus 18, राइट। तो ये वेन बोथ द रूट्स आर कॉमन,
छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी जब कहते हैं भाई एक रूट कॉमन है, वहां पे क्या हो सकते कंडीशन, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एक बार ध्यान से इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। बी वाला पार्ट लेते हैं बेटा, राइट। हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशंस आ गए बेटा हमारे पास। इसमें कहा गया ये बोथ रूट्स कॉमन नहीं है, एक रूट कॉमन है, इसकी कंडीशन मुझे निकालनी। कहने का मतलब ये है कि इसका तरीका क्या हो सकता है, काफी इंटरेस्टिंग से तरीका है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। हम कहते हैं भाई अल्फा और बीटा, सपोज मैं इसे फिर से इक्वेशन नंबर वन मान लू, इसे मैं इक्वेशन नंबर टू, मैं अल्फा और बीटा की बात नहीं करता, मैं अल्फा की बात करता हूं, अल्फा बी वन विद अ कॉमन रूट रादर, ठीक है, कॉमन रूट है ना बेटा। अब ध्यान से देखें, कोई भी रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस अल्फा को यहां डाल सकते हैं, दैट इज ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, या फिर आप कहते हो भाई ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, है ना। दोनों सॉल्व करें, राइट। अभी हमें ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू के बीच में एक रिलेशन निकालनी है, तो इसका एक तरीका है। हम इस तरीके को कैसे फॉलो करते हैं बताता हूं। आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड किया होगा, जो भी चीज आप क्लास टेंथ में कर रहे हो वही चीज मैं यहां पर भी यूज कर रहा हूं। आपने कहा भाई सर ये तो अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा स्क्वायर, क्यों हम इसे एक लीनियर इक्वेशन का रूप दे दें, ठीक है। हम करते हैं कैसे इसे, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, थोड़ा सा आप लोगों को भी रिवीजन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है ना बेटा, वी टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है ना। हम कैसे लिखते हैं देखो, हम लेते हैं x डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं b1 b2, आपको याद आ रहा है b1 b2 c1 c2, माइनस y आता है बट मैं पॉजिटिव ले लेता हूं क्योंकि c1 को मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है। और एक आपके पास आता है 1 डिवाइडेड बाय a1 a2 b1 b2 बेटा, राइट ऐसे है ना। तो यहां पे इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो करते हैं ना बेटा, ये तरीका होता है ना जनरली। अच्छा इसमें क्या है हमारे पास, आपने इसे ऐसे लिखा x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस c1 b2 बेटा, ये आपने क्रॉस किया y c1 a2 माइनस ए वन सी टू, आपने लिखा वन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ऐसे लिख दिया बेटा, ठीक है। आप देख रहे हैं इसको जनरली जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही। तो कहने का मतलब ये एक्स तो अल्फा स्क्वायर था ना, ये तो आपका अल्फा है बेटा, तो मैं एक फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड रेशियो को कंसिडर करता हूं। तो कहने का मतलब है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी वन C2 minus C1 B2 is equal to 1 upon A1 B2 minus B1 A2, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 C2 minus C1 B2 divided by A1 B2 minus B1 A2, ये अल्फा स्क्वायर होगा। फिर मैं लेता हूं सेकेंड और थर्ड रेशियो को, अल्फा डिवाइडेड बाय सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू बेटा इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू बी वन ए टू, ये ले लिया हमने बेटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वन ए टू ए वन सी टू डिवाइडेड बाय ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू।
स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर यहां मिल गया, तो मैं से ना कुछ ऐसे डॉट लेके मैं इसको इक्वेशन नंबर वन कह देता हूं, इसी तरह से स्क्वायरिंग करता हूं, तो सी वन ए टू ए वन सी टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, अब देख रहे हैं दोनों अल्फा स्क्वायर, इसका मतलब मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं बेटा, ठीक है। तो अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू लेता हूं मेरे बच्चे, तो ये आ जाएगा बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू डिवाइडेड बाई ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू इज इक्वल टू सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू का होल स्क्वायर। तो ये वाली पार्ट इसके साथ तो कैंसिल हो सकती है, और ये आपका बचता है सी वन ए टू ए वन सी टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू, आप देख सकते हैं यहां पे। तो ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है, जैसे मैंने ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू कहा था ना, When both the roots are common, तो सिंगल रूट्स कॉमन के लिए एक रूट अगर कॉमन है तो ये कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। आपको सर इसे याद हमें रखना है, आप इसे याद रखें इस कंडीशन को, दिमाग में यह सवाल भी आ रहा होगा ना, क्या इसे याद रखना है? नहीं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जो भी आपको दो इक्वेशन दिया है इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते हो आगे जाओगे। अब दोनों मेथड, अगर याद नहीं है, अगर ये याद है तो शॉर्टकट हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो आप पूरे स्टेप्स को एक एक के बाद एक के फॉलो करके आओगे। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं, उसमें यह क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं सवाल, फाइंड के इफ 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5 इक्वल टू 0, ये मैं क्वेश्चन पहले एक बार लिख लू, एंड x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना बेटा, have one root common, ठीक है, one root common, ठीक है ना बेटा। तो one root common का मतलब अगर both the root common होता तो 2 by 1 k by minus 3 minus 5 by minus 4 ऐसे हम लिखते हैं इसको, यहां पे one root common है। आइदर आप ये वाली चीज उठा के यहां डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, एक तो ये तरीका हो सकता है, है ना, अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, ए वन इज इक्वल टू टू बेटा, बी वन इज के, सी वन इज इक्वल टू माइनस फाइव, ए टू इज इक्वल टू वन, बी टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, सी टू इज इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है। तो यहां पे चीजें ऐसी हैं कि भाई सी वन ए टू माइनस फाइव इंटू वन माइनस टू इंटू माइनस फोर ऐसे, ये होल स्क्वायर है ना, देख रहे हैं आप, माइनस फाइव ए वन सी वन ए टू माइनस फाइव इंटू वन माइनस ऑफ टू इंटू माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी वन सी टू दैट इज माइनस फोर के, ठीक है, देन वी हैव यू नो क्रॉस मल्टीप्लाई देन, अच्छा सी टू की अगर बात करें हम लोग, राइट, ओके, यहां पे एक कंडीशन और है, ये जो मल्टीप्लाई किया हमने, ये आप बी वन सी टू, ये ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू भी करोगे, राइट, ये भी आपके पास है, ठीक है, ये वाली चीज भी आपको करना होगा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हाट वी हैव माइनस फोर के सी वन बी टू That is plus 15, है ना,
c1 b2 that is minus 15, right, into a1 b2 ये ले लेते हैं, that is minus 6, right, minus c1 b2 a1 b2, पहले तो a1 b2 लेते हैं, minus 6, फिर a2 b1 that is minus k बेटा, ठीक है। तो यहां पे जो आपका ये कंडीशन था, ये अभी आपको लिखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जाके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसका फाइनल आंसर है k = 3, ठीक है, k = -20। ये तो आपको पता ही होगा कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब अल्टीमेटली जाके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा। ये तो मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, अगर आपको ये फॉर्म याद नहीं है, आपको अगर मेथड याद नहीं है तो आप सेम उसी प्रोसेस में चलोगे बेटा, मतलब द सेम मेथड, सेम प्रोसेस, अल्फा स्क्वायर वाली मेथड से जाओगे, दैट इज अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस 3, ये माइनस 4 लिखेंगे बेटा, अल्फा ये आपका -5, -4, ये आपका 2, ये 1, 1 अपॉन 2, 1 के -3, सेम इसी प्रोसेस में, सेम, तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, -4k, ठीक है ना बेटा, -15, अल्फा -5, राइट, आप देख सकते हैं यहां पे -5, ये आपका +8, इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय -6, दिस इज -k, सो यू कैन सी हाउ इट वर्क्स, सेम प्रोसेस, दिस इज मेथड नंबर 1, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला इट्स फाइन, अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मेथड को फॉलो कर लें, आप समझ रहे हो मेरी बात, कभी कभी होता है फॉर्मूला याद नहीं रहता, राइट, देयर लॉट मेनी फॉर्मूलेस, तो आप क्या करते हो, आप मेथड नंबर 1 फॉर्मूले से यूज कर, अगर नहीं होता तो आप ये वाली लंबी वाली मेथड को ले सकते हैं, सो बोथ द मेथड वर्क्स, ठीक है, यू वन, तो कहने का मतलब है एक बार आप इसके साथ इक्वेट करेंगे बेटा, -15 = 1/-6 -k, अल्फा स्क्वायर इज -4k, दिस इज -15, दिस इज -6 -k, ये और ये ले लेते हैं, अल्फा, ठीक है, अपॉन 3 = 1/-6 -k, राइट, ये आपका आ जाएगा अल्फा 3/-6 -k, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये भी स्क्वायर हो जाता है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जैसे मैंने मेथड में आपको बताया, ठीक है, अगर दोनों को इक्वेट कर देते हैं बेटा, तो ये भी इसके इक्वेट होगा, है ना, तो ये माइनस के लेंथी हो जाएगा, बट टेक्निकली आपको समझ में आ गया होगा भी आया कैसे, ये 9/ होल स्क्वायर, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ के आ जाएगा बेटा, है ना, सो दैट इज के जो है ये 3 हो जाएगा बेटा, और इसी से सेम -27/4, सो यू गेट द सेम आंसर, यू नो, इफ यू यूज बोथ द मेथड, मेथड 1 इज ऑल्सो वर्किंग हियर एंड मेथड 2 ऑल्सो वर्क्स हियर, बिकॉज मेथड 2 इज द थियोरिटिकल अप्रोच देयर, राइट, तो आप देख सकते हैं कि जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने कुछ कंडीशंस निकाले थे, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आप कंडीशंस की बात कर सकते हैं, अगर एक रूट कॉमन हो, ठीक है, एक रूट कॉमन हो तो क्या होगा कंडीशन, अगर दो रूट कॉमन हो तो क्या होगा, ठीक है ना, एक चीज लास्ट में, ये आप तो रिसर्च करें देखें, ठीक है, मैं इसमें प्रूफ नहीं करना चाहता, बट आपको मैं मजेदार चीज बताता हूं, ये लास्ट फाइनल हमारा एक फंडामेंटल है, फंडा कॉन्सेप्ट है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है,
इसके वैसे तो दो रूट्स होते हैं, बट इट कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स. ये इक्वेशन, ये फाइनल बता रहा हूं आपको, ये इक्वेशन के इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स हो सकते हैं या सॉल्यूशन ऑफ एक्स हो सकते हैं, और उसकी कंडीशन जो होती है वो हमेशा याद रखना बेटा, इसे कहते हैं ए बी सी, ये तीनों जीरो तभी हो सकता है. इट मे हैव मोर देन टू वैल्यूज. ठीक है, ये आप थोड़ा सा एनालाइज करना, रिसर्च करना भाई क्या चीज है. अच्छा, इसको कहते क्या है मैं आपको बताता हूं. मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट, जनरली एक वैल्यू होती है. ठीक है, इसे हम कहते हैं बेटा आइडेंटिटी. क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज आइडेंटिटी. जैसे आप ट्रिगो में पढ़ते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, आइडेंटिटी पढ़ते हो. इसी तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नाम आइडेंटिटी भी कहते हैं. बताए, एक स्पेशल केस है. आइडेंटिटी कहते हैं वो तभी कहते हैं जब ये कंडीशन फॉलो हो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो. अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब है इट विल टेक, एक्स विल टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, एनी वैल्यूज इट विल टेक, राइट. इसे तो आइडेंटिटी कहते हैं ना हम लोग. तो यहां पर भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो तभी हो सकता है. इट में हैव मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तभी सेटिस्फाई कर सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, राइट. तो ये आपको मैंने एक स्पेशल चीज बता दी जो आइडेंटिटी के बारे में बताया. मैंने आपको रूट्स के, कॉमन रूट्स के बारे में बता दिया. ठीक है, और होपफुली आपको समझ में आया. कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. रिवाइज कीजिए, देखिए फिर से दोबारा, इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और इस पर सवाल करें, एंड थिंग्स विल बी क्लियर, राइट. चलिए, सो विद दिस आई एंड अप द सेशन. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.